संचार थाना कोतवाली का जापर गणेशगंज के मजेरा बुजुर्ग निवासी रतेंद्र पुत्र सोमनाथ ने बताया है कि वह अपने निजी कार्य से उचार तथा उसकी पत्नी फूलबरी खेतों के गई हुई थी। उसके बच्चे घर में अकेले थे। जानकार किसी खनश गांव के दबंग राजेश पुत्र राधेश्याम ने तथा अंकित पुत्र के राकेश उसके लड़के हिमांशु को मारने लगे हैं, तो पीटता देखकर उसकी लड़की अपने भाई को बचाने दौड़ के प्रियंका पुत्री राजेश तथा कमलेश पत्री राजेश की पुत्री को घसीट घसीट कर मारना शुरू कर दिया। उसके बच्चों ने शोर मचाया। ग्रामीण दौड़े आए तब बच्चों की जान बची। ये घटना लगभग 6 बजे की है। राजेंद्र जब वापस आया तो पूरी हकीकत समझने के बाद नंबर 100 पर डायल किया और लगभग 1.5 घंटे के बाद 100 गाड़ी पहुंची है और दोनों पक्षों को सुबह कोतवाली से बुलाया गया है। 28 तारीख का दबंग राधेश्याम परिवार कोतवाली उचार ना जाकर अपने आका की दिशा में निर्देश पर रायबरेली भाग गया। भाई को प्रियंका अंकित ने मारा, जब मैं दौड़ी तो कमलेश राजेश मुझे भी मारा। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने थाने में किया था? जी। शोभनाथ। पिताजी का नाम क्या है? शोभनाथ। गांव? गणेशगंज। मौजा का लागत? गौरा बुजुर्ग। थाना? उनके हाथ। समस्या कहाँ है? समस्या यह है कि हम उनके हाथ तहसील चले गए थे, मेरे लड़के को मारा गया। जब लड़के को मार रहे थे तो लड़की छोटी दौड़ी, उसको भी बहुत घसीट घसीट के मारे। अच्छा। मुझे हर थाने जो एप्लीकेशन देने गए तो एप्लीकेशन तो ले ली गई। ये बोले कि जाओ 2-4 दिन अगर कुछ कहते हैं, गाली गुस्सा देते हैं तो कुछ कहना नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बाद में इंक्वायरी करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन बोला था? देवानंद त्रिपाठी, हमारे यहाँ के एसआई साहब। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।